साथ आयुषी गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दौसा के लालसोट से बड़ी खबर, जहां पर बोरवेल में गिरा युवक और बोरवेल में काम करते हुए जो है रामनिवास मीणा जो कि गिर गया। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर बचिया सरपंच पहुंचे हैं, प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। तहसीलदार मदन लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं। 160 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। जेसीबी मशीन से खुदाई कार्य शुरू हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, बोरवेल में ये युवक गिरा है, निकालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्या अपडेट है मामले में? बिल्कुल, लालसोट विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रामगढ़ पचवारा के समीप राणोली गांव का पूरा घटनाक्रम है। बोरवेल में कुछ जो लोग हैं वो काम कर रहे थे। बोरवेल में संभवतः कोई मोटर खराब हो गई थी जिसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान जो रामनिवास मीणा नाम का जो युवक है वो फिसल गया और उस बोरवेल के अंदर गिर गया। हालांकि बोरवेल की जो गहराई है वो 160 फीट है, लेकिन क्योंकि जो गिरने वाला है वो युवक है, पूरा युवक है, इसी कारण वो ज्यादा गहराई में नहीं गया है, लेकिन 25 से 30 फीट की गहराई में संभवतः वो फंसा हुआ है। ऐसे में अब आसपास की खुदाई चालू कर दी गई है। जो जेसीबी की मशीनें हैं वो बुला ली गई हैं। बोरवेल के आसपास खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगे हैं। तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही स्थानीय जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंच गए हैं। जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है और जेसीबी की मशीनों को भी और भी बुलाया जा रहा है ताकि जो खुदाई है वो जल्दी से जल्दी की जा सके। फिलहाल है जो तय नहीं हो पाया कि कितनी गहराई में ये युवक फंसा हुआ है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 से 30 फीट की गहराई में संभवतः ये फंसा होगा और उसे बाहर निकालने की कोशिश अभी की जा रही है। जी आशीष, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। अभी क्या युवक से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? कोई अभी संपर्क हो पा रहा है क्या? बिल्कुल, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि वो ऊपर से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेडिकल की टीम और सीसीटीवी वगैरह इनको भी बुलाया गया है ताकि उसके पूरी जानकारी ली जा सके, उसके मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। लेकिन ये अंदाजा लगा था क्योंकि बोरवेल ऊपर से काफी चौड़ा था, अंदर जाके ये 8 इंची का बोरवेल था। 8 इंची का बोरवेल का ये माना जा सकता है कि युवक ज्यादा गहराई में नहीं गया होगा क्योंकि ऊपर से काफी बारिश का दिन समय गया है, बारिश के कारण ऊपर से काफी बोरवेल चौड़ा हो गया था, इसी कारण वो अंदर फंसा हुआ है। लेकिन 8 इंची का बोरवेल आगे है नीचे गहराई में, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 फीट या 30 फीट मैक्सिमम की गहराई पर वो फंसा हुआ है और इसी के आसपास खुदाई चालू कर दी गई है और उसको निकालने की कोशिश। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है और अब तक भेड़ियों के हमले में 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है। हालात यह है कि आदमखोर भेड़िये घर के अंदर से छोटे बच्चों को घसीट ले जा रहे हैं। वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमों को लगाया है। बहराइच के 35 गांवों में दहशत का आलम है और लोग सहमे हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको यूपी के बहराइच से दे रहा है। बहराइच में भेड़ियों से दहशत में अब ग्रामीण है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, ये तस्वीर भी कैद हुई है। 45 दिन से खूंखार भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है और महिला और 8 बच्चों को ये जो भेड़िए है वो शिकार बना चुके हैं। तो 3 तस्वीरें हैं, भेड़ियों का एक झुंड आपको पहली तस्वीर में दिख रहा है और रात में पहरेदारी भी की जा रही है। 45 दिन में इन भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की 12 टीमें जो है तलाश में भी जुटी हुई हैं। तो भेड़ियों से दहशत का माहौल है, आतंक देखने को मिल रहा है, भेड़ियों का एक झुंड देखने को मिला। पहली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, रात में पहरेदारी की जा रही है ताकि जो है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। 45 दिन में 9 शिकार जो है भेड़िये ने की है। बहराइच में भेड़िये के कारण लोग दहशत में जीने को मजबूर है। 45 दिनों में महिला समेत 9 बच्चे आदमखोर भेड़िये का शिकार हो चुके हैं। सुरक्षा के लिए लोग रात में जग करके पहरेदारी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर
प्रदेश के बहराइच में इन दिनों लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है और उसकी वजह है आदमखोर भेड़िए जो रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तकरीबन 2 दर्जन ऐसे गाँव है जहाँ आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। पिछले 1.5 महीने में ये भेड़िए 7 मासूमों को अपना शिकार बना चुके हैं। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गांव से दूर रहे। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व, विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में भेड़ियों का एक झुंड भी कैद हुआ है जो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर न सोए और अपने घरों में सोए और जब तक घर में, और इसी के लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वह लाउड स्पीकर के माध्यम से मंदिर, मस्जिद, सबके जो सार्वजनिक मतलब स्थल हो सकता है जहां से हम सूचना ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर सकते हैं वहां से कर रहे हैं। और वही स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से इसके पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए अवशेष हैं, इनको पकड़वाने की व्यवस्था करें। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर 60 साल की महिला को, 55 साल की महिला को भेड़िया उठा रहा है तो भेड़िया पागल हो चुका है, और अगर भेड़िया पागल हो चुका है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी सरकार देने का काम कर रहे हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मॉनसून की बारिश ने तबाही मचा रखी है और बाढ़ बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हैं। आप एक साथ हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जाएंगे वो अलग अलग तस्वीरों में लगातार भारी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाकों तक मॉनसून की बारिश ने तबाही मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से नदी और नहरों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। नदियां जहां उफान पर हैं, वहीं नहरें भी तटबंधों को तोड़ रही हैं। यूपी के सीतापुर में बिसवा तहसील के रुशहन गांव के पास से निकली सहायक नहर शारदा अचानक टूट गई। बिसवा समेत महमूदाबाद के करीब 12 गांवों में नहर का पानी भर गया। गांवों में करीब 10,000 से ज्यादा लोग फंस गए। घटना के बाद से प्रशासन लगातार मौके पर ही कैंप किए हुए है। वहीं ड्रोन कैमरे से लगातार पानी भरे हुए गांव की निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ और पीएसी के जवान लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के काम में जुटे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जब ये नहर अपने बाएं किनारे से कटी है और कटने के बाद में इसका पानी गांवों में घुसा है। इसमें तहसील बिसवा के 4 गांव हैं जिसमें कि रुसहन है, मारखापुर है, लोधौरा है और भिनैनी। ये 4 गांव हैं जहां पर इसका पानी भी गया हुआ है। सोनभद्र से भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं कि जिसने भी देखी वो दहशत से भर गया। भारी बारिश के बाद नदी में इतना पानी भर गया कि सड़क ही पानी में डूब गई। नदी के किनारे बने मकानों पर भी खतरा बढ़ गया। करमा इलाके में एक पुल भी बह गया।
जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया। कई गाड़ियां भी सड़कों पर फंसी रह गईं। सोनभद्र के बिजपुर इलाके में अजीर नदी उफान पर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में नदी और नाले पर उफान है। ओबरा डैम का गेट खोलने के बाद लगातार पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बलिया में घाघरा नदी उफान पर है और कहर बरपा रही है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में लगातार जमीन का कटान हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सालों पुराना मंदिर नदी में समा गया। कटान से हनुमान मंदिर नदी में समा गया। घाघरा नदी के लगातार जमीन के कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारों पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। नदी की लहरें इतनी तेज बहती दिखी कि आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए। लगातार बढ़ते पानी से किनारों पर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा। श्रीनगर में नदी की तेज लहरों के बीच एक मंदिर भी डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लगा वो सब कुछ बहा कर ले जाएगी। खतरा ये दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सामने देखिए, ये जो धारी की जो रोड जा रही है ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। हर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। खैर, हमको तो आदत पड़ गई है। बहुत बड़े बड़े वो आते हैं पेड़ और इन पिलों में लग करके मतलब झटका जैसे होता है, इस प्रकार से झटका। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है, जिसके चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात को हुआ है। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। वहीं राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का आफतकाल नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़, बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हैं। आप एक साथ देख सकते हैं 5 राज्यों की तस्वीरें, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात में तेज बारिश ने सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा की है। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, जबकि बिहार और यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गुजरात के गांधीनगर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद संत सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए हैं। हालांकि पानी के इतने फ्लो के सामने भी कुछ लोग वहां टहलते नजर आए, जो साफ तौर पर हादसे को न्योता देते नजर आए। गुजरात में बारिश कहर बनकर बरसी। वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। एक बस्ती पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। नदी नाले उफान पर दिखे। जहां तक नजर गई वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वडोदरा के कई इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। अहमदाबाद में भी भारी बारिश का असर दिखा। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया है। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर पानी भरने से लोग परेशान दिखे। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंद नगर में रोड पर घुटनों तक
पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। कई लोग तो अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए। गुजरात के अरवली में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अरवली में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि पानी लोगों के बेडरूम और किचन तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात के आनंद में हुई 8 इंच से ज्यादा की बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां पर कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियां उफान पर हैं, लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, वहीं लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न हो गए। मोरबी में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं खिरसरा गांव में जल भराव से लोग परेशान रहे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मशीन का सहारा तक लेना पड़ा। गुजरात के राजकोट में बारिश के पानी में शहर का बड़ा हिस्सा डूबा नजर आया। जो तस्वीरें आई हैं, उसमें सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। हालात ऐसे बने कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ रुक गईं, बल्कि कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। राजकोट का मबडी और मेन इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया और पूरी सड़क पानी में डूबी नजर आई। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी नजर आई, जिसके बाद कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। जो लोग जरूरी काम से घर से निकले, उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि नाव भी ओवरलोड दिखी और लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। महाराष्ट्र में भी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया और इस पानी में पूरा मंदिर समाया हुआ दिखा। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश यात्रा से लौट रहे कई श्रद्धालु नाले में आई उफान में फंस गए। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते दिखे। वीडियो में साफ नजर आया कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और नाले को पार करने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले और उनकी मदद से नाला पार किया। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया है, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बगैर नाले को पार कर लिया। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पिट गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट बलोच विद्रोहियों को निशाने पर है। देखिए रिपोर्ट। बलूचिस्तान में फंस गया पाकिस्तान। खतरे में सीपैक परियोजना। बलोच लिबरेशन आर्मी की चीन को धमकी। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा में सिंध। जी हां, बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। बलोच विद्रोही चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे हैं। इसी साल 23 जून को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, लेकिन ये दाव भी पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बीएलए ने पिछले 2 दिन में जो गदर मचाया है, उससे तो पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए। बीएलए ने दावा किया कि बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी कैंप पर फिदायीन हमला किया और 130 सैनिकों को ढेर कर दिया।
हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे पर चुप्पी साध रखी है। अब बीएलए ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो ग्वादर और बलूचिस्तान को छोड़कर नहीं गए तो उनकी खैर नहीं। सीपैक पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। बलोच विद्रोहियों की इस धमकी के बाद चीन के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सीपैक की वजह से अब तक कई चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। सीपैक में भारी भ्रष्टाचार और विद्रोहियों के भारी विरोध की वजह से अब परियोजना पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने और जबरदस्त जमीनी चुनौतियों के बीच पाकिस्तानी सेना का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। किसानों पर कंगना रनौत के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन क्या कंगना आगे ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि विवादों से उनका इतना पुराना नाता है कि जब जब क्वीन ने जुबान खोली बखेड़ा खड़ा हो गया। देखिए रिपोर्ट। Kangana touches something, it becomes a controversy. मैं judgmental नहीं हूँ, इसलिए कंगना को absolutely mental मानती हूँ। हमारे नेताओं के बारे में नाम जरा बोलती रहती है। कभी किसानों पर बयान, कभी जवानों पर बयान, कभी आजादी पर दिव्य ज्ञान, कंगना के अंगना में विवादों ने यूं घर कर लिया कि क्वीन जब भी बोली विवादों से पूरी जनता डोली। इस बार भी विवादों की क्वीन सवालों के घेरे में है। वजह है उनका किसान आंदोलन पर एक बयान जिस पर अब सियासी घमासान जारी है। कंगना रनौत का अपना बयान था, पार्टी ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि वह इस प्रकार के बयान नहीं दे सकती, और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम लोग तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में विश्वास करते हैं, और कंगना रनौत को आगे से ऐसे बयान देने के लिए मना कर दिया गया। देखिए बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके डीएनए में कांग्रेस का विरोध है और सरमाएदारी यानी क्रोनी कैपिटलिस्टों का साथ है। इसीलिए कंगना रनौत हमारे किसानों को आतंकवादी कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी धरने पर बैठे लोगों को देशद्रोही कहती है, और ये खाली कंगना रनौत ही नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 बड़े नेता कहते हैं, मीनाक्षी लेखी भी ऐसी कहती है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को अपने देश का अंग मानने के लिए ही तैयार नहीं है। दरअसल एक मीडिया हाउस को दिए बयान में कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई और वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। कंगना का ये बयान आते ही बवाल मच गया, लिहाजा बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कंगना विवादों में आई हो। तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन